हाय दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, द मर्चेंट ऑफ वेनिस। इंटरमीडिएट इंग्लिश 12वीं क्लास में आपका एक ड्रामा चलता है ये सब्जेक्ट में, द मर्चेंट ऑफ वेनिस। आज हम लोग इसी ड्रामा को शुरू करेंगे, रिटन बाय विलियम शेक्सपियर, यानी कि शेक्सपियर द्वारा रचित द मर्चेंट ऑफ वेनिस एक ड्रामा है। और ये ड्रामा एंटी कॉमेडी ड्रामा, इट मीन्स ट्रेजेडी एंड कॉमेडी ड्रामा है। आज हम लोग इसी को शुरू करेंगे। चलिए सबसे पहले हम कैरेक्टर्स देख लें, इस ड्रामा में कैरेक्टर कौन कौन से हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो कैरेक्टर है, ड्यूक ऑफ वेनिस, वेनिस का एक ड्यूक है, ठीक ना। इसके अलावा प्रिंस ऑफ एरोगोन और प्रिंस ऑफ मोरक्को, ये एरोगोन का राजकुमार और मोरक्को का राजकुमार, ये दो ऐसे कैरेक्टर इसमें दिखाए गए हैं जो पोर्सिया को चाहते बहुत हैं। पोर्सिया शादी करना चाहते, लेकिन पोर्सिया शादी कोई नहीं कर सकता, क्योंकि उनके बाप ने एक वसीयत बना के रखा है। 3 कॉस के 3 बक्सा है, और 3 बक्से में से एक बक्से में पोर्सिया की तस्वीर है। जो व्यक्ति सही बक्से को चूज करेगा, इट मीन जिसमें पोर्सिया की तस्वीर है, उस बक्से को जो चूज करेगा, शादी पोर्सिया खुशी से होगी। इसलिए ये दोनों अपने अपने भाग को आजमाने के लिए आते हैं, कास्केट चुनने के लिए, बक्से चुनने के लिए, लेकिन दोनों फेल होकर चले जाते हैं, ठीक ना। पर ये पोर्सिया दोनों बहुत चाहते हैं। इसके अलावा एंटोनियो, जो वेनिस का मर्चेंट है, वेनिस जो शहर है, वह शहर का वो एंटोनियो मर्चेंट है, ठीक है ना। इसके अलावा बैसेनियो कौन है? बैसेनियो इस ड्रामा में जो मर्चेंट है एंटोनियो, उसका फ्रेंड है, ठीक ना, फ्रेंड है एंटोनियो का। इसके अलावा ये पोर्सिया का सूटर भी है, चाहने वाला भी है, और अंत में सही बक्से को यही चूज करता है और पोर्सिया को जीत लेता है। पोर्सिया शादी, बैसेनियो की शादी पोर्सिया से ही होती है, ठीक है। आगे चलते हैं। उसके बाद ये 4 फ्रेंड्स देख रहे हैं आप, सेलेनियो, सेलारिनो, ग्रेशियानो एंड सेलेरियो। ये 4 फ्रेंड्स हैं, ये 4 फ्रेंड्स एंटोनियो की, ये एंटोनियो का भी 4 फ्रेंड्स हैं और बेसेनियो के भी फ्रेंड्स हैं। इट मीन्स ये जो फ्रेंड्स हैं, एंटोनियो और बेसेनियो के फ्रेंड्स हैं, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद आता है एक और नाम, लोरेंजो। ये लोरेंजो क्या है? ये एंटोनियो, बेसेनियो, ये सारे लोगों का फ्रेंड्स भी है। इसके अलावा ये लोरेंजो क्या है? यह जेसिका, जेसिका कौन है? इस नाटक में एक विलेन है, इसका नाम है साइलॉग, ठीक ना। इस नाटक का विलेन है, इसका नाम साइलाक है, उसकी लड़की जेसिका है, और इस जेसिका से लोरेंजो प्रेम करता है। इसलिए लोरेंजो काफी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हो जाता है, क्योंकि विलेन एक लड़की से प्रेम करता है, ठीक है। आगे चलते हैं। पर ये दोस्त क्या है? इन्हीं दोनों का, ये 4-6 का दोस्त है, एंटोनियो, बैसेनियो, सेलेनियो, सेलारिनो, ग्रेशियानो, सेलेरियो का ये फ्रेंड भी है, साथ में रहता है। इसके अलावा साइलाक, आपको बता चुका हूं, ये क्या इस नाटक का विलेन है, और ये जाति से जीव है, यहूदी। इसके अलावा ये जो जितने कैरेक्टर्स आप देख रहे हैं, एंटोनियो, बैसेनियो, सेलेरियो, सेलेनियो, वेशियानो, ये सारे जो फ्रेंड्स हैं, ये सारे फ्रेंड्स क्रिश्चियन हैं। और यहाँ पे जो जीव, ये साइला के जो विलेन है इस नाटक का, वो जीव है। इसलिए देखो, ये जीव है, बहुत सारा रीजन है इन लोगों से हेट करता है, तो उसमें से एक जो रीजन है, वो रीजन हमारे इसका कि ये जीव है, अपना उच्च जाति मानता है और क्रिश्चियन से, इसी वजह से क्रिश्चियन लोगों से नफरत करता है, ठीक ना। इसके बारे में हम आगे जानेंगे। और एक चीज और जान लीजिए इसके बारे में, सैलाब क्या है? इस नाटक का विलेन है, ठीक ना, और ये बहुत लालची है, और ये क्या करता है, एंटोनियो को फंसाता है केस में, ये कॉन्स्पिरेट करता है, षड्यंत्र रचता है, उस षड्यंत्र में उसको फंसा कर जान लेने का प्रयास करता है, जो कि अंत पोर्सिया एंटोनियो बचा लेती है, ये हम आगे जानेंगे। इसके अलावा ये ट्यूबल कौन है? ये ट्यूबल वह एक आदमी है, जब जेसिका की लड़की, इट मीन्स पहले जान लीजिए ट्यूबल कौन है। ट्यूबल भी एक जू है और ये फ्रेंड है सैलाक का। ये मदद कहाँ करता है? ये मदद वहां करता है जब सैलाक की लड़की जो जेसिका है, लोरेंजो के साथ चली जाती है। ऐसे में क्या करता है ट्यूबल, इस लड़की को खोजने के लिए निकलता है, कुछ मैसेज देता है, कुछ बताता है, ठीक ना, इसी लड़की की सूचना देता है, कुछ सूचना उचना देता है। कुल मिला के ये फ्रेंड है, और ये सैलाब का फ्रेंड है, और जेसिका के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देता है जब भाग जाती है घर से। तो इसके अलावा
यहाँ पे दो गोबो देख रहे हैं आप, एक लॉसलेट गोबो है एक ओल्ड गोबो है, ठीक ना। जो लॉसलेट गोबो है शुरुआत में क्या करता है, ये सैलाब क्या नौकरी करता है, नौकर है, क्लॉन है, और ये क्या करता है शुरुआत में सैलाब क्या नौकरी करता है, जबकि ओल्ड जो गोबो है वह ये ओल्ड जो गोबो है ये लॉसलेट के पिता है और ये नौकरी करता है बैसेनियों के यहाँ। लेकिन बाद में क्या होता है, जो लॉसलेट गोबो होता है, जो यंग गोबो होता है, ऊपर वाला देख रहे हैं, ये क्या करता है अपने बाप के यहाँ यानी बैसानियों यहाँ नौकरी करने चला आता है। इट मीन्स जहाँ इसके बाप नौकरी करते हैं बैसानियों यहाँ, वह यहाँ चला आता है, यानी कि सैलाब का घर छोड़ देता है, वहाँ नौकरी करना छोड़ देता है और नीचे आते हैं। आप देखें लियोनार्डो देख रहे हैं, ये लियोनार्डो क्या है, इसका स्टेज पे बहुत कम सीन आप देखेंगे, लेकिन ये क्या है, एक सर्वेंट है बैसेनियो का, ठीक ना। ये लियोनार्डो सर्वेंट है बैसेनियो का। इसके अलावा आप और नौकर देख सकते हैं, स्टेफनो है और बालजार है। स्टेफनो और बालजार ये दो नौकर हैं जो पोर्सिया के नौकर हैं, ठीक ना। इनका स्टेज बहुत कम काम है, पर आप लास्ट में इनको भी देखेंगे आप, ठीक ना, स्टेफनो और बालजार को, ठीक है। इसके अलावा और बात करते हैं, यहाँ पर देखिए मेन जो कैरेक्टर इसमें पोर्सिया है, इस नाटक में पोर्सिया क्या है, एक बहुत धनी महिला है, ठीक ना, और इसके बाप ने वसीयत कर रखा है, बताया आपको कास्केट सीन के बारे में, कास्केट एंड बक्से के बारे में, और जो व्यक्ति ये वसीयत बना के, इसके बाप मर चुके हैं और उनकी बाप की इच्छा यही है कि जो व्यक्ति तीन बक्सों में से, जो व्यक्ति सही बक्से को, अर्थात जिस बक्से मेरी पोर्सिया, इट मीन्स पोर्सिया की तस्वीर है, जो व्यक्ति सही बक्से को चूज करेगा, तस्वीर वाली बक्से चूज करेगा, उसी से शादी होना है पोर्सिया का। तो बहुत लोग आते हैं, सब फेल हो जाते हैं, इसमें से लास्ट में बैसेनियो शूट करता है, ये चूज कर लेता है राइट कॉस्केट को और उसी से शादी होता है, ठीक ना, पोर्सिया की, ठीक है ना। इसके अलावा और बात करते हैं, नेरिसा कौन है, नेरिसा क्या है, पोर्सिया की नौकरानी है, लेकिन रहती है ठीक उसके साथ फ्रेंड की तरह, ठीक ना। तो एक वेटिंग मैड है, घर की नौकरानी, लेकिन रहती है फ्रेंड की तरह। इसके अलावा जेसिका, अब बताया जेसिका वो लड़की है जो सैलाब की लड़की है, जो चली जाती है लोरेंजो के साथ, लोरेंजो कौन है, क्रिश्चियन के साथ। ये चीज और कॉम्प्लेक्स कर देता है मैटर को, क्योंकि एक जीव की लड़की है जेसिका, जीव की लड़की जेसिका, और जीव की लड़की जेसिका चली जाती है क्रिश्चियन के साथ, बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो जाता है इसके लिए, सैलाब के लिए इसकी ख्याति चली जाती है, इज्जत चली जाती है, और इसके लिए सैलाब बहुत ज्यादा परेशान होता है, ठीक है। चलिए नाटक में आते हैं, देखिए कहानी क्या है इसकी। यहाँ पे देखिए, जो मर्चेंट ऑफ वेनिस की बात करें हम, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, वेनिस का व्यापारी, बाय विलियम शेक्सपियर, इसमें क्या है, इस ड्रामा में दिखाया गया वेनिस का व्यापारी एंटोनियो दिखाया गया है। अब बात क्या है, एंटोनियो का जो दोस्त है बैसेनियो, यह पैसे, इसको आवश्यकता पड़ जाती है, पैसे की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्योंकि ये प्रेम करता है पोर्सिया से, ये प्रेम करता है पोर्सिया से, बताया पोर्सिया बहुत ही सुंदर एक इसमें कैरेक्टर दिखाई गई है, और प्रेम करता है तो इसके, वो घूमने जाना चाहता है इसके साथ, पर इसके पास पैसे नहीं है, तो क्या करता है, ये पैसे के लिए एंटोनियो के पास जाता है, इसका दोस्त है एंटोनियो, कहता है मुझे पैसे चाहिए, लेकिन बात यह है कि एंटोनियो पास भी अभी पैसे नहीं है, इट मीन्स बैसेनियो के जो फ्रेंड एंटोनियो, इसके पास भी पैसे अभी नहीं है। फिर क्या होता है, एंटोनियो बैसेनियो को सलाह देता है, जाओ देखो इस वेनिस में कोई व्यक्ति है क्या जो मेरे क्रेडिट पे पैसे तुम्हें देने के लिए तैयार है, अगर है तो मैं बनूंगा क्रेडिटर और फिर उससे आप पैसे ले लो। घूमते घूमते क्या होता है, बैसेनियो आता है सीधे सैलाब के यहाँ, दोनों मान लो बैसेनियो आता है सैलाब के यहाँ, साथ में एंटोनियो भी है इसके, ठीक ना, ये आते सब सैलाब के यहाँ। अब सैलाब से पैसे बैसेनियो डिमांड करता है, मांगता है, रिक्वेस्ट करता है, रिक्वेस्ट करता है कि आप मुझे पैसे दे दो, और इसका बॉन्ड होगा, जो इसका क्रेडिटर होगा, वो क्रेडिटर क्या बनेगा, वो बनेगा हमारा एंटोनियो। जैसे ही सैलाब सुनता है कि पैसे उधार लेगा बैसेनियो और इसका क्रेडिटर बनेगा एंटोनियो, मन ही मन में खुश हो जाता है, क्योंकि इसको एक बदला लेने का अवसर मिल जाता है, सोचता मैं पैसे दूंगा, ठीक ना। लेकिन क्या होता है, एक शर्त रखता है, वो शर्त क्या, चलिए देखते हैं। पहली बात ये जान लें कितना पैसा मांगता है बैसेनियो, मांगता है इससे पैसा 3000 यानी 3000 डुकैत,
वो भी 3 महीने के लिए। याद रख लीजिए आप, 3000 डुकैत मांगता है, 3000 डुकैत 3000 डुकैत और 3 महीने के लिए। यह क्या होता है, सैराट देने के तैयार हो जाता है, लेकिन एक शर्त इसकी भी है, एक बॉन्ड होता है, ये मतलब एक नोटरी होती है जिसको हम शपथ पत्र कहते हैं। शपथ पत्र पर क्या करता है, यह सिग्नेचर करवा लेता है नोटरी ऑफिस जा करके, ठीक ना, कि अगर 3000 डुकैत 3 महीने के लिए मैं दे रहा हूँ, अगर इतने टाइम के अंदर अगर एंटोनियो पैसे नहीं वापस कर पाता है तो मैं एंटोनियो के हृदय के पास यानी सीने से 1 पाउंड मांस ले लूँगा। अब उसका जो इशारा होता है सीधे हार्ट पे होता है, लगभग हार्ट 1 पाउंड का होता है, तो कहता मतलब होता है कि मैं उसका हार्ट निकाल लूँगा, यानी कि कहने का सेंस है हार्ट निकाल के आदमी बचेगा क्या, आदमी तो मर जाएगा। तो इसका जो इरादा होता है वो एंटोनियो को मारने का होता है, ठीक ना। अब क्या होता है, ऐसे में मैं सैनियो कहता नहीं पैसे मत लो, मैं पैसे मुझे नहीं चाहिए, मैं ऐसे रिस्क पे पैसे नहीं लेना चाहता हूँ। तो एंटोनियो क्या करता है, इसको समझाता है बैसेनियो को, घबराओ नहीं, मेरी सारी सिप जितनी है सारी बाहर गई हैं और 3 महीने के अंदर व्यापार के लिए बाहर गई हैं और 3 महीने के अंदर सारी सिप मेरे आ जाएंगी, फिर क्या करना तुम, मैं क्या करूँ, इस पैसे उसको वापस कर दूंगा, घबराओ नहीं, 3 महीने ज़्यादा समय होते हैं मेरे लिए, ठीक ना। पैसे ले लेता है, ठीक ना। अब क्या होता है, इसको मैं कहानी यहीं रोकता हूँ, मैं आगे चल रहा हूँ बैसेनियो और पोर्सिया की तरफ। इसके पहले बक्सा चुनने के लिए ये दोनों आते हैं, एरेगोन का राजकुमार और मोरक्को का राजकुमार, ये फेल हो जाते हैं। ये क्या होता है, एरेगोन का जो राजकुमार होता है वह गोल्ड कॉस यानी गोल्ड सोने का जो बक्सा होता है उसको चूज करता है, ठीक ना, और जो ये मोरक्को का जो राजकुमार होता है वह चूज करता है चांदी के बक्से को, यानी दोनों में पोषक तस्वीर नहीं होती है और दोनों हार जाते हैं, वहां चले जाते हैं। तीसरा ये जो एक और लास्ट जो शूटर होता है वो होता है भाई बैसेनियो। अब बैसेनियो क्या होता है, बक्सा चूज करने के लिए जाता है, वह सही बक्से चूज करते हैं, जो लीडन कॉस्केट है, जो शीशे का कॉस्केट बक्सा है उसको चूज करता है, उसमें पुर्सिया की तस्वीर होती है और पुर्सिया से उसकी शादी हो जाती है। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ क्या होता है, चूज कर लेता है। अब बात क्या होता है, इधर ये चला, ये क्या होता है, सारी कहानी यहाँ चूज कर लेता है। अब बात आती है, वापस आते हैं एंटोनियो के पास। एंटोनियो क्या होता है, इस समय एंटोनियो का धीरे टाइम क्या होता है, वो 3 महीने लगभग होना शुरू हो जाते हैं, ठीक ना, ठीक ना, 3 महीने लगभग होना शुरू हो जाते हैं। और बात क्या है, और ये मैटर कॉम्प्लेक्स होता जाता है, यहां पर कॉम्प्लेक्स कैसे होता जाता है, अब देखिए यहां पर ये बैसेनियो, ये चारे जो फ्रेंड्स हैं, ये चारों फ्रेंड्स क्या होते हैं, एक रात्रि भोजन रखते हैं अपने घर, ठीक ना, बैसेनियो के यहां भोजन है, रात्रि भोजन है और सबको इन्वाइट किया जाता है, ठीक ना, सबको इन्वाइट किया जाता है। और ऐसे में क्या होता है, ये सारे इन्वाइट किया था, ऐसे में सारे फ्रेंड्स क्या करते हैं, सैलाब को भी अपने यहाँ इन्वाइट करते हैं खाने के लिए रात्रि भोजन पर, ठीक ना। अब ऐसे में क्या होता है, सैलाब भी आता है रात्रि भोजन पर, उस टाइम अपने घर की रखवाली क्या करता है, अपनी लड़की जेसिका को सैलाब सौंपता है कि मैं जा रहा हूँ इन लोग यहाँ खाना खाने, और तुम घर की रखवाली करना, ये चाभी लो और तुम क्या करो, अपने घर की रखवाली करना, और मैं जब तक ना आऊँ तुम अंदर ही रहना, बाहर ही निकलना, किसी प्रकार के चीज को देखने बाहर निकलना नहीं, आप घर ही रहना, अंदर रहना। लेकिन बात क्या है, जेसिका प्रेम करती है लोरेंजो से, एक जो खाना खाने का खिलाने का जो टाइम होता है और शैला को बुला करके खाना खिलाने जो टाइम होता है, वह एक भी एक प्रकार का युक्ति है, एक प्रकार की समझ लीजिए एक चालाकी होती है इन सारे फ्रेंड्स के द्वारा, स्पेशली लोरेंजो के द्वारा। ऐसे में क्या होता है, सैला खाना खाने आता है और लोरेंजो क्या करता है, इसकी लड़की को लेकर के चला जाता है, लड़की को लेकर भाग जाता है। लड़की तो भागती ही भागती है अपने घर से, इसमें बाप की कुछ गहने होते हैं, जवाहरात होते हैं, आभूषण होते हैं, उसको भी लेकर चली जाती है और 2000 डुकैत पैसे भी बक्सा में लेकर के चल देती है, ठीक है। अब बात आते हैं, अब इधर लेकर चली जाती है, ठीक ना। इधर क्या होता है, इधर ये होता है कि एंटोनियो का टाइम भी धीरे धीरे क्या होता है, क्लोजिंग आ जाता है, ठीक ना।
अब इधर इसको पता ही चलता है शैला को कि मेरी लड़की भाग गई है, काफी मायूस दुखी होता है, बहुत परेशान होता है, अपने बापी अपने ही लड़की को कोसता है कि ये क्रिश्चियन के साथ चली गई और इसको बदनामी होती है। लेकिन आगे कहानी क्या है, आगे कहानी ये है कि इसको ये पता चलता है कि एंटोनियो की सारी सिप रेक्ट कर गई है, फंस गई है, वो टाइम से वेनिस नहीं पहुंच रही है और 3 मंथ्स ओवर होने वाला है। काफी खुश हो जाता है, ऐसे में खुश हो जाता है तो क्या करता है, अब तुरंत बॉन्ड को देखता है, अपनी लड़की को भूल जाता है, लड़की भागी है 2000 रुपये लेकर भागी है, सारी चीजों को भूल जाता है और क्या क्या सारी लड़की की गई है, नुकसान कितना की सब भूल करके एंटोनियो के प्रति जो दिमाग उसने खड़यंत्र रचा था वो खड़यंत्र को अब याद करता है। बॉन्ड अपना निकालता है साइला, बॉन्ड में देखता है 3 मंथ्स के लिए 3000 डुकैस है, वो टाइम ओवर होने जा रहा है, उसको तुरंत ले भागता है कोर्ट में, कोर्ट में भागता है इसलिए ताकि मैं एंटोनियो के हार्ट से, हार्ट के पास से, सीने के पास से एक पाउंड मांस ले लूं, इट मीन्स उसका हार्ट मैं ले लूं। ऐसे में कहानी और कॉम्प्लेक्स बनती है और हम वापस चलते हैं वहां कि आप देखिए पोर्सिया और बैसेनियो अब शादी कर चुके हैं, स्टेज पे आते हैं। पोर्सिया और बैसेनियो क्या होता है, शादी कर चुके हैं स्टेज पे, ना सही बक्सा चुन लेता है ना बैसेनियो, और उसकी शादी हुआ थी पोर्सिया से। उसी समय स्टेज पे क्या होता है, स्टेज पर बैसेनियो के साथ गया हुआ रहता है ग्रेसियानो भी साथ में जाता है, और ये ग्रेसियानो जब साथ में जाता है और उस समय स्टेज पर पोर्सिया तो थी, पोर्सिया के अलावा उसकी नौकरानी भी साथ में रहती है, तो उसी समय ग्रेसियानो भी क्या करता है, पसंद कर लेता है मेरिसा को और इसकी भी शादी वही हो जाती है। ठीक है, दोनों की यानी दो बैसेनियों की स्टेज पर शादी होती है पोर्सिया से और ग्रेसियानो शादी होती है मेरिसा से। ठीक ना, अब क्या होता है, ये बात चलती है, अब यह एंटोनियो परेशान इसलिए है कि टाइम क्लोजिंग आ रहा है, 3 मंथ्स लगभग पूरा होने वाला है और मेरी सिप नहीं आई, अब मैं जान से जाने ही वाला। इसकी अब ये क्या होता है, स्टेज पर ही एक दोस्त, इसका दोस्त एक स्टेज पर खबर लेकर के आता है, इन लोगों का दोस्त सैलरी होता है, खबर लेकर के आता है कि एंटोनियो का तो विनाश हो गया, जो सिप उसकी सारी एंटोनियो की है, सारी सिप फंस चुकी हैं और वो वेनिस नहीं पहुंच रही हैं, और पैसे नहीं चुकाया, नहीं चुकाने की वजह से एंटोनियो का जो मैटर है वो मैटर सैला कोर्ट में लेकर जा रहा है। अब एंटोनियो को मरना ही है क्योंकि फॉर्मांस ले लेगा सीने से, हार्ट निकालेगा, व्यक्ति को मरेगा ही मरेगा, आप जानते हैं, तो मर जाएगा। ये चीज का पता जब पोर्सिया पर चलता है कि पोर्सिया ये समझती है कि मेरा जो हस्बैंड है, उस मेरे हस्बैंड का दोस्त एंटोनियो खतरे में है, और खतरे में इसलिए है कि उसने, वो खतरे में किस लिए है, मेरे पति के लिए खतरे में है। जब इसको पता चलती है, चलता है पोर्सिया को, तो पोर्सिया क्या करती है, इस बात को सोचती है, ठीक ना, बात सोचती है। इसके पहली कहानी थोड़ा और कॉम्प्लेक्स हो जाता है, यहाँ शादी होता है और शादी होता है तो बदले में क्या होता है, ये पोर्सिया क्या करती है, एक रिंग पहनाती है बैसेनियो को, और रिंग पहना के क्या करती है, कहती है ठीक है आप रिंग पहन लो, ठीक ना, उसी टाइम नेरिसा भी रिंग पहनाती है ग्रेसियानो, कहती है आप रिंग पहन लो, लेकिन ये ध्यान देना कि रिंग कभी अलग नहीं होना चाहिए, यदि अलग हो गया तो समझ लीजिए हम दोनों का प्रेम भी खत्म हो गया। तो दोनों भी कसम खाते हैं कि हम अलग नहीं होने देंगे, मरते वक्त तक इस रिंग को अलग नहीं होने देंगे। ठीक है, अब क्या होता है, यहाँ पर जो स्टेज पर काम था, स्टेज पर काम खत्म हो जाता है, ठीक ना। अब ऐसे में एक सारी बातें चली रही होती है, स्टेज पर लगभग काम खत्म हो जाता है, सूचना आता है कि एंटोनियो का नष्ट हो गया, एंटोनियो की जहाज फंस चुकी है। ऐसे में जब पुरुष को पता चलता है कि एंटोनियो मेरे हस्बैंड का जो ये बेस्ट फ्रेंड है एंटोनियो, वह विनाश उसका होने वाला है, और उसका कारण जो बैसेनियो है, अब क्या पूछती है सब कुछ, क्या क्या कारण है, तो सब पता ही जाता है उसको, किसी वजह से आज एंटोनियो फंसा हुआ है। तो बैसेनियो कहती है ठीक है, ये सॉरी पोर्सिया कहती है ठीक है, आप पैसा उसको चुका दो, दूना दे दो, तिगुना दे दो, ताकि वो बॉन्ड को फाड़ दो, ताकि एंटोनियो का जान बच सके। लेकिन बात पैसे की नहीं थी, क्योंकि खड़यंत्र किया था साइलाक ने सिर्फ मारने के लिए एंटोनियो को। मैटर पहुंच जाता है कोर्ट में, साइलाक पहुंच चुका है कोर्ट में,
इसके अलावा कोर्ट में एंटोनियो पहुंचा है और बैसेनियो पहुंचा, इसके अलावा भी इसके फ्रेंड्स पहुंचे हुए हैं कोर्ट में, ग्रिशियानो को कोर्ट पहुंचा हुआ है, ठीक ना, ये सारे लोग कोर्ट पहुंचे हुए हैं। ड्यूक बैठा हुआ है कोर्ट में और मैटर को सुनाया जा रहा है, क्या रीजन है, ड्यूक सुन रहा है कि बात क्या है, सब कुछ है साइलाक एंटोनियो का कि बीच जो कहानी है इस कहानी को सुना हुआ है, सुनता है और सुनने के बाद डिसीजन देने के मूड में, लेकिन वकील नहीं आया हुआ है, ठीक है, वकील वकालत करेगा उस पर, पैर भी करेगा, तो फिर कोर्ट को ये डिसीजन क्या आएगा, उस डिसीजन को ड्यूक देने वाला है, लेकिन वकील नहीं आया हुआ है। ऐसे में कहानी क्या है, ट्विस्ट यहां लेती है, इस जो कोर्ट में जो वकील आने वाला था वो आने थे डॉक्टर डॉक्टर बैलेरियो आने वाले थे, डॉक्टर बैलेरियो, वो बैलेरियो कौन थे, कजिन थे पोर्सिया के, वो आने वाले थे, लेकिन पोर्सिया क्या करती है, उनको रोक देती है और उस वकील में, उस कोर्ट में खुद पोर्सिया आती है डॉक्टर ऑफ लॉ बन करके, लॉयर बन करके, यानी एडवोकेट बन करके कोर्ट में आती है पोर्सिया, ठीक ना, इधर क्लर्क बन करके आती है उसकी मेड सर्वेंट जो है नेरिसा, एक पुरुष का परिधान पहन करके कोर्ट में आते हैं, इन्हें कोई नहीं पहचान पाता है, ना ही इन दोनों जब कोर्ट में दोनों आते हैं वकील बन करके, पोर्सिया और नेरिसा, पोर्सिया आती है एडवोकेट बन करके और क्लर्क बन के आती है नेरिसा, इन्हें कोई नहीं पहचान पाते, यहां तक इनके अपने पति भी नहीं पहचान पाते। ऐसे में सारे मैटर को सुनती है कोर्ट में पोर्सिया, सुनने के बाद साइलाक से कहती है आप निश्चित रूप से अगर आप डिसीजन दिया जाए तो डिसीजन यही आएगा कि साइलाक को मरना ही है, लेकिन मैं साइलाक आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, पुरुषिया है ना, पुरुष बन के आए तो रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप क्या करो साइलाक को, साइलाक आप क्या करो एंटोनियो को माफ कर दो, क्योंकि एंटोनियो ऐसे बचने वाला नहीं है, माफ कर दोगे तभी एंटोनियो बचेगा, लेकिन ये कहता है नहीं मैं माफ नहीं करूंगा, पुरुषिया कहती इसका दूना तिगुना ले लो पैसे, लेकिन इसको माफ कर दो, सब पैसे लेकर के आए हुए हैं सब इसके फ्रेंड्स, कहता पैसा मुझे नहीं चाहिए, बॉन्ड के तहत जो कुछ हुआ है वही मुझे चाहिए, पैसे नहीं लूंगा, बार बार रिक्वेस्ट करती है, बार बार रिफ्यूज कर देता है साइलाक, कहता मुझे पैसे नहीं चाहिए। ऐसे में पुरुषिया कहती ठीक है आपका, ठीक है एक पाउंड मांस लोगे ना, क्या काटने के लिए तराजू तोड़ने के लिए लाए हो, सब कुछ लाया है, चाकू भी लाया है तराजू भी लाया है, कहती ठीक है आप कट करो, लेकिन ध्यान देना कि आपका जो बॉन्ड में नॉमिनेट है, नॉमिनेशन ये है कि एक पाउंड मांस ही आपके हैं काटने के लिए, ना इससे ज्यादा बात हुई ना इससे कम की बात हुई है, और जब आप कटिंग करेंगे तो ब्लड नहीं गिरना चाहिए और इसकी जान नहीं जानी चाहिए एंटोनियो की। यह चीज जब सुनता है साइलाक तो सोचता कि मैं तो अपने ही जाल में फंस गया, अब बताओ क्या कोई ऐसा कैसे काटोगे आप, ऐसे काटो एक पाउंड मांस ही कर, एक पाउंड ही मांस कटे ब्लड ना गिरे, अब क्या होता, आप अपने ही जाल में फंस जाता है, साइलाक समझ जाता है कि मैं तो अपने ही केस में फंस गया और मैं ऐसा कर नहीं पाऊंगा, अब ये कहता ऐसा करो मुझे पैसे जो आप दे रहे हो वो दे दो और मैं इस बॉन्ड को यहीं एक्सपायर करता हूँ, फाड़ता हूँ और आप लोग जाओ। पुरुषिया कहती नहीं, मैं आप बीच सभा में रिफ्यूज किए हैं कि आपको एक डिसीजन चाहिए तो आप डिसीजन ले करके जाओ। ऐसे में यह कोर्ट में साबित हो जाता है कि साइलाक सिर्फ एंटोनियो को मारने के लिए खड़यंत्र रचा था। रूल क्या है वहां का, वेनिस का रूल था, है उस समय मान लीजिए था, रूल ये था कि अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के खिलाफ खड़यंत्र रचता है सिर्फ उसकी जान लेने के लिए और ये चीज कोर्ट में साबित हो जाए तो उसकी आधी संपत्ति वह ले लेती थी वहां की सरकार, और आधी संपत्ति उसको दी जाती, दे दी जाती जो जिसके भी खिलाफ खड़यंत्र रचा गया है। ऐसे में सेम इसी के साथ ऐसा होता है तो इसकी आधी संपत्ति वहां की जो स्टेट के ट्रेजरी में जमा हो जाती है, इसके अलावा आधी संपत्ति दे दी जाती है एंटोनियो को, लेकिन एंटोनियो इतना गया गुजरा नहीं है, बहुत धनी है, इस पूरे वेनिस का बहुत सबसे धनी व्यापारी है,
दिक्कत क्या थी, सिप नहीं आ पाई थी। ऐसे में वो संपत्ति नहीं लेता है, वह संपत्ति क्या करता है, इसी की लड़की जो जैसिका है भागती भागती फिर रही है, भागते भागते फिर करके आ गई वो पोर्सिया के घर, उसको क्या कर देता है, वो संपत्ति दे देता है आधा सैलाब की, और पैसे नहीं लेता है, ठीक है ना। और यहाँ पे मैटर कॉम्प्लेक्स क्या बनता है, और देखिए ये मैटर काफी कॉम्प्लेक्स और बन जाता है यहाँ पर, इसलिए कि वैसेनियो और एंटोनियो बार बार परस्यू करते मनाते हैं इस एडवोकेट को कि आप कुछ मांगिए, आपने केस जीता है मांगिए, या जो थ्री हम लोग पैसे लेकर के इस पैसे को आप ले लीजिए। पोर्सिया कहता है, मैं कहता हूं क्योंकि पुरुष के ड्रेस में आया हुआ है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, हम केस जीत गए, ये सबसे बड़ी बात है, मैंने एक व्यक्ति की जान बचाया, ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन बार बार मनाने पर पोर्सिया इसका एंटोनियो का ग्लोव्स ले लेती है, दस्ताना ले लेती है, और परस्यू करने पर ठीक ना, जब जबरदस्ती करने कुछ और मांगिए तो पोर्सिया मांग लेती है, याद करो वही रिंग मांगती है जो रिंग उस स्टेज पर बेलमोंड पे पहनाई थी सही बक्सा चूज करने पर, ठीक है। और जब ये मांगती है तो उसी टाइम ये भी ठीक ना, उसी समय ये भी मांग लेती है नेरिसा ग्रिसियानो से रिंग मांग लेती है, दोनों हिचकते हैं, ठीक ना, थोड़ी वार्तालाप होती है, कहती देने के लिए बहुत कह रहे थे, अब मैं मांगना शुरू कर दी हम लोग, अब इनकार कर रहे हैं। एंटोनियो कहते हैं दे दो यार, हमारी जान बच गई है। उसके एंटोनियो कहने पर वो रिंग दे देते हैं लोग, याद करो वो रिंग पहनने से पहले कसम खाए थे, आज उसी रिंग को दे रहे हैं सब। अब कहानी क्या है, ये लोग जो पुरुष के परिधान में आए हुए हैं पोर्सिया और क्लर्क, ये अपने घर बेलमोंट इनके अपने अपने पतियों से एंटोनियो से पहुंचने से पहले पहुंच जाते हैं सब, ठीक ना, पहुंच जाते हैं सब। इधर से क्या होता है, पहुंचने के बाद ये अपने ड्रेस में उसी फीमेल ड्रेस में हो जाते हैं सब, यानी पोर्सिया पोर्सिया हो जाती है, नेरिसा नेरिसा हो जाती है, ठीक है। अब क्या होता है, काफी खुश है लोग सारे दोस्त, एंटोनियो बैसेनियो ग्रेसियानो ठीक ना, और भी दोस्त इसके साथ है, सारे दोस्त खुश हैं। और क्या करते हैं ये सारे बेलमोंट, अभी लोग रहते हैं पोर्सिया के घर अभी से इस समय, क्योंकि काफी धनी महिला है, इसके पास बहुत सारे प्रॉपर्टी है, तो लोग यहीं रहते हैं। ये लोग क्या होते हैं बेलमोंट जाते हैं, तो पोर्सिया नेरिसा ऑलरेडी पहुंच चुके हैं वहां पर, और पहुंच करके सबसे पहले डिमांड क्या होती है, वो डिमांड अंगूठी की होती है, अंगूठी की डिमांड होती है। अंगूठी देखते हैं सब दोनों हाथ में नहीं है, झगड़ा चलता है, झगड़े से इतना ज्यादा झगड़ा बढ़ जाता है अंगूठी को लेकर के कि एंटोनियो मायूस हो जाता है। फिर पोर्सिया को समझाना पड़ता है कि परेशान मत हो, और लास्ट में खुद पोर्सिया रिवील करती है मैटर को कि देखिए जो कोर्ट में गए थे वो जो कोर्ट में वकील था यंग वकील वो मैं थी, और जो मेरे साथ क्लर्क था वह नेरिसा थी, और गवाह के रूप में कहती है देख लिए, गवाह के रूप में देखना चाहते हैं जाना चाहते हैं तो गवाह के रूप में लोरेंजो है, लोरेंजो कोर्ट में ही जाता है क्योंकि कोर्ट में ऑलरेडी केस चलता है शायद का, इस लोरेंजो क्यों जाए क्योंकि मामला और पलट सकता था, कि गवाह के रूप में इसको बताए, इसको पोर्सिया गवाह के रूप में ये है स्टेफनो है और बालजार है, ये लोग भी घर थे, अब इनसे पूछ लीजिए। लास्ट में यहीं पर क्या होता है देखते हैं लोग, तो कहानी यहीं पर एंड हो जाता है, और कहानी काफी खुशी पूर्वक एंड होता है, इसलिए कॉमेडी है, इतना ज्यादा दुख इसको इस ड्रामा में है, इसलिए एंटी भी है ट्रेजिडी भी है, यानी इसमें दुख भी है सुख भी है, इसलिए इस ड्रामा को कहते हैं ट्रेजिडी एंड कॉमेडी, इट मीन्स को एंटी कॉमेडी ड्रामा भी कहते हैं, ठीक दोस्तों ना। तो इस ये नाटक का क्या था, एक थीम था ठीक ना, इसमें जो कैरेक्टर्स थे मेरे कैरेक्टर्स आपको बता दिए, थीम बता दिए, और इसकी मदद से आप किताब पढ़ोगे तो आपको पूरा पूरा समझ में आने वाला है। तो आई होप आज मेरा पढ़ा हुआ आपको समझ आया होगा, ठीक है। मैं मेरा चैनल पे काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, मैं काफ़ी खुश हूँ, काफ़ी आप लोग देख भी रहे हैं, और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब भी करें, दूसरों को शेयर भी करें ताकि उनको भी इससे लाभ मिले, और जो आपको नंबर मिलने वाले हैं इंटरमीडिएट के बोर्ड के एग्ज़ाम में वो आपको पूरा पूरा मिले, मेरा प्रयास है, और आप दूसरों को भेजिए, वो लोग इससे लाभान्वित हों, और फिर आपका यूं ही ऐसे ही
आप आगे बढ़ते रहो, मैं भी आपको अपना पूरा प्रयास करता रहूँ आगे बढ़ने में। ओके, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।